Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshekar, and I welcome all of you to another interesting episode of Conexia High Flyers. Friends, in these episodes, we talk to you about emerging companies from emerging sectors and talk to you about many interesting businesses. And in this process, we talk to the promoters of such companies so that we can understand their company's operations in a much better manner. And today, friends, we have got a very interesting company, you know, from a very interesting segment. The company's name is Fine Listings Technologies Limited. And we have the pleasure of having the top management team. We have Mr. Anish Mathur, who's the executive director and the CEO of the company. Anish ji, welcome to the show. Thank you. Also, we have Mr. Arjun Singh Rajput. He's the managing director of the company. उनको धन्यवाद सर टाइम देने के लिए मैं तरह से इस छोटी मुलाकात में हमको आपकी कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा सो थैंक यू फॉर द टाइम एंड वी कैन स्टार्ट तो अनिल जी पहला सवाल जो आपको मेरी तरफ से वो अपनी कंपनी का बिजनेस मॉडल थोड़ा सा समझाइए कि हम एक्चुअली हमारा बिजनेस एक्चुअली क्या है हम किस प्रकार का बिजनेस करते हैं और हमने ये बिजनेस कभी शुरू किया था और अभी प्रेजेंटली हमारी क्या पोजीशनिंग है इस मार्केट में ओके सो अविनाश जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर एट दिस टॉक शो नाउ यू नो लाइक यू राइटली आस्क्ड अ क्वेश्चन कि हमारी कंपनी की पोजीशनिंग क्या है वी आर अ 6 ईयर ओल्ड कंपनी हमारी 6 साल पुरानी कंपनी है एंड 2018 में 23 मार्च को इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड अर्जुन और मैं वी बोथ आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स हम बचपन के दोस्त हैं That's how this journey started, and then we left our respective jobs and started this business. So, Fine Listings is a used luxury car business. ये used luxury car business की एक marketplace है, जहाँ पे हम retail business को organize कर रहे हैं. क्योंकि अभी ये market बहुत unorganized है कि for example, if Avinash जी को कोई luxury car खरीदनी है, तो कोई अभी organized player नहीं है market में जो इस industry को tap करे. So हम इसमें वी हैव कम अप विद प्रोसेसेस हम इसमें वारंटीज देते हैं लग्जरी कार मार्केट में हम यू नो हमारी क्लीन कार्स होती हैं एंड ओवरऑल हम इसको सर्विस करते हैं इस इंडस्ट्री पे नाउ अलोंग विद दिस हमारा दो वर्टिकल हैं टोटल बिजनेस के एक है यूज लग्जरी कार बिजनेस द अदर इज आईटी बिजनेस सो आईटी बिजनेस एज अ होल जिसमें मेरा एक एक्स पेटीएम एक्सपीरियंस है मैंने टाइम्स इंटरनेट में काम किया उसके बाद पेटीएम में मेरा एक्सपीरियंस है तो विद दैट एक्सपीरियंस हमने पिछले 2 साल में एक और वर्टिकल खड़ा करा है विच इज अ आईटी सर्विसेज बिजनेस जिसमें हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेब डेवलपमेंट ऐप डेवलपमेंट नेटिव हाइब्रिड कई प्रकार की टेक्नोलॉजियों पे काम करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड अदर एक्सेट्रा ये वाली सारी उस पर करते हैं एंड देन हम इसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से लेके आईटी मैन पावर स्टाफिंग से लेके पूरे पूरे प्रोडक्ट्स में हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अपना एक पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू रहता है इन चीजों में तो दैट्स हाउ एक वी हैव ग्रोन एज एन आईटी कंपनी आल्सो एंड अ कार बिजनेस आल्सो तो इवेंचुअली इट विल बी मर्ज्ड सो दैट्स दैट ठीक है आई थिंक अनिश जी अच्छी तरह से आपने समझाया अर्जुन जी अगर मैं पूछूं कि सर हमारा जो रिटेल जो यू नो लग्जरी कार सेगमेंट में हम काम करते हैं तो हमारे एक्चुअली ज्योग्राफिकली हमारा मेन मार्केट कौन सा है हमारे कितने शोरूम्स हैं इसके बारे में कुछ बताइए जी सर सर हम फिजिकली वैसे हम दिल्ली में बेस्ड हैं दिल्ली के बहुत ही प्रोमिनेंट मॉल एम्बियंस मॉल जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल्स भी है एंड वन ऑफ द मोस्ट फुटफॉलिंग मॉल्स ऑफ दिल्ली है में हम प्लेस्ड हैं वी आर द ओनली यूज्ड कार प्लेयर इन द मार्केट जो एक प्रोमिनेंट मेन स्ट्रीम मॉल के अंदर लोकेटेड है हमारी फिजिकल लोकेशन दिल्ली ही है लेकिन हमने तकरीबन 26 से 30 सिटीज में अक्रॉस इंडिया गाड़ियां भेज चुके हैं क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली से कई लोग पूरे इंडिया में गाड़ी खरीदते हैं तो वी आर फिजिकली बेस्ड इन दिल्ली राइट नाउ इन द फ्यूचर वी विल बी प्लानिंग टू ओपन मोर प्लेसेस लेकिन करंटली डेमोग्राफिकली वी आर इन दिल्ली एंड बिकॉज आवर प्रोडक्ट इज मोबाइल दैट मीन्स कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो गाड़ी है तो उसको हम दिल्ली से कहीं भी भेज सकते हैं सो करंटली वी आर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली विद अ शोरूम इन साउथ दिल्ली इन द एम्बियंस मॉल बसंत कुंज अच्छा अर्जुन जी एक बात बताइए जब हम प्रीमियम गाड़ियों की बात करते हैं तो मोटा मोटी प्राइस रेंज कहाँ से शुरू होता है 40 लाख 50 लाख और कौन कौन से गाड़ी के मॉडल आप ज्यादातर यू नो फोकस करते हो यानी कस्टमर्स कौन सी गाड़ियां ज्यादा प्रेफर करते हैं सर देखिए प्रीमियम गाड़ी का प्राइस वैसे तो अगर गाड़ी पुरानी है तो 10 से 15 लाख से भी स्टार्ट हो जाता है उसके ऊपर तो आप मानिए कि कोई लिमिट ही नहीं है आजकल ठीक है लेकिन हर बिजनेस को अपना एक सेगमेंट पकड़ना होता है
तो हमने जो सेगमेंट पकड़ा हुआ है वो 99% जो हमारा एक तरह से आप सेगमेंट माने वो 15 से 35 से 40 लाख रुपए का है, जिसको हम कहते हैं अफोर्डेबल लग्जरी कार सेगमेंट, जो कि एक यू नो एस्पायरिंग मिडिल क्लास फैमिली की पहली लग्जरी गाड़ी बनती है। तो हमारा टारगेट सेगमेंट ये है फिलहाल। एंड बात करें अगर कुछ फेमस ब्रांड्स की, तो आई थिंक सबसे ज्यादा डिमांड हम इन तीन ब्रांड्स की ही देखते हैं, जो है ऑडी, बीएमडब्ल्यू एंड मर्सिडीज। इन तीन ब्रांड्स में सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, बट बाकी ब्रांड्स की भी डिमांड रहती है, जैसे कि आप लगा लीजिए मिनी की बहुत डिमांड रहती है, उनको लाइफस्टाइल गाड़ियां होती हैं, जैगुआर की बहुत डिमांड रहती है, मस्टैंग गाड़ियों की बहुत डिमांड रहती है, बट लार्ज पार्ट ऑफ द डिमांड पूल केटर्स फ्रॉम ऑडी, बीएमडब्ल्यू एंड मर्सिडीज। एक रिलेटेड क्वेश्चन अर्जुन जी आपसे पूछना था कि आप काफी समय से ये मार्केट में हो, तो ग्राउंड लेवल पे अभी किस प्रकार का माहौल है? अगर मैं बिजनेस पोटेंशियल कहूँ, क्योंकि फाइन लिस्टिंग इज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग सेकंड हैंड प्रीमियम लग्जरी कार्स, तो दिल्ली मार्केट से तो ऑब्वियसली डिमांड अच्छी है, बट पैन इंडिया की बात करें तो आपको क्या लगता है कि एटलीस्ट विदाउट पुटिंग अ नंबर आपको क्या सिग्नल मिल रही थी डिमांड की पोटेंशियल और भी काफी सिग्निफिकेंट है, और यहाँ पे हमारी कंपनी किस प्रकार का रोल प्ले करेगी? सर देखिए, मैं इस आंसर को ना एक थोड़े से डेटा के साथ बैक करना चाहता हूँ। पोस्ट कोविड आप अगर सारी कंपनीज जो प्रीमियम कार सेलर्स हैं उनके ब्रांड न्यू के नंबर अगर आप देखें, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है जो ब्रांड न्यू और यूज पैरेलल चलती है, राइट? तो अगर आप पोस्ट कोविड देखें तो ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और इन सब कंपनियों ने ईयर ऑन ईयर मोर देन 50% सेल्स दी है। अगर आप 2023 की बात करें तो तकरीबन 47,000 ब्रांड न्यू गाड़ियां बिकी हैं सिर्फ लग्जरी कार सेगमेंट में। एंड आप किसी भी तरह से मार्केट में अगर आप जाके नंबर्स को स्टडी करें एंड मार्केट रिस्पांस को स्टडी करें, तो आपको पता लगेगा कि डिमांड अभी बहुत ही ज्यादा है, मतलब इट इज अ वेरी हाई बूमिंग स्पेस, बिकॉज लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ती जा रही है, लोगों को नई नई गाड़ियां चाहिए। एंड एक बेस लेवल पे एक और चीज हमने एज अ बिजनेस में हम नोटिस करते हैं कि आज से 10 साल पहले एक होंडा सिटी 10 से 12 लाख रुपए की आया करती थी, राइट? आज के टाइम पे अगर आप नई होंडा सिटी लेना चाहें, टॉप मॉडल लेना चाहें, तो वही 20 लाख के ऊपर क्रॉस करती है। तो जैसे ही आप 20 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं, कई कस्टमर सोचते हैं कि यार हम क्यों ना करके एक लग्जरी कार एक्सपीरियंस कर लेते हैं इतने पैसे में। तो वो मार्केट सेगमेंट बहुत ज्यादा मर्ज हो रहा है और वहां पे यूज कार स्पेस को बहुत फायदा मिलता है। तो ओवरऑल मार्केट इज रियली बूमिंग। इसमें आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट, जैसे अनाजी आपने पूछा, इसमें ना सी ओवरऑल क्या है कि नॉट जस्ट आवर बिजनेस, ओवरऑल इकोनॉमी जो है 4 ट्रिलियन से इन द नेक्स्ट 4 इयर्स हम देख रहे हैं कि 8 ट्रिलियन टच करेगी, 7 से 8 ट्रिलियन टच करेगी, द काइंड ऑफ सपोर्ट वी हैव ओवरऑल। तो क्या है कि जो पर कैपिटा इनकम है, जो लिक्विडिटी है हर इंडिविजुअल की, एस्पिरेशनल यूथ है हमारे पास, हमारी कंट्री में, तो सबकी जो डिस्पोजेबल इनकम है ना वो सब्सटेंशियली बढ़ेगी। तो जो सबसे पहली चीज है जो आदमी करना चाहता है, इंसान करना चाहता है, वो आफ्टर बाइंग अ हाउस इज, अब तो वो भी नहीं रह गया है क्योंकि काफी लोग लिक्विड मॉडल पे आ गए, तो सबसे पहले वो एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं। तो अच्छे फाइनेंशियल मॉडल में जहाँ पे अच्छी ईएमआई बन जाए, 50,000 रुपए महीने की ईएमआई बन जाए, एक बीएमडब्ल्यू घर पे खड़ी हो जाए, तो वो एक ओवरऑल बहुत ही वैल्यू प्रोपोजिशन वाला वो होता है। एंड दीज जर्मन कार्स आर वेरी रिलायबल, तो उससे क्या होता है कि एक एस्पिरेशन भी पूरी होती है एंड बढ़ती मार्केट में अगले 4-5 साल 10 साल इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग ग्राफ। तो नॉट जस्ट आवर इंडस्ट्री, एवरी इंडस्ट्री विल ग्रो, दैट्स व्हाट वी बिलीव। आई थिंक राइटली सेड अनीश जी। अर्जुन जी, एक सवाल जो अभी रिलेटेड है रिटेल यूज्ड कार सेगमेंट के लिए, मेरे को बताइए कि ये गाड़ियां हम कहां से सोर्स करते हैं, और दूसरी बात हमने पिछले दो साल में मोटा मोटी कितने गाड़ियां बेची है, यानी हम लोग जो प्रोस्पेक्टस से मैं डेटा देख रहा था, आपने 2-3 साल का डेटा मोटा मोटी ऑन एन एवरेज कितनी गाड़ियां बेची, और ये गाड़ियां हम लोग कहां से सोर्स करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सोर्सिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। सर सोर्सिंग वाला पार्ट इसका आंसर कर देता हूं। सोर्सिंग देखिए, इस बिजनेस में मैं एक चीज मानता हूं कि गाड़ी आएगी कहां से और गाड़ी जाएगी कहां पे, इसके हमेशा एक पैटर्न रहता है, राइट? तो सोर्सिंग करने के बहुत तरीके होते हैं, जैसे कि आप डायरेक्टली कस्टमर से उठा सकते हैं, हमारे कई मार्केटिंग कैंपेन चलते हैं जहां पे, एंड वी आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, जहां पे हम कस्टमर को रीच आउट करते हैं कि अगर आपको गाड़ी बेचनी है, सो इफ यू हैव 4 ऑप्शंस इन द मार्केट, वी आर द 5th एंड यू कैन कनेक्ट विद अस आल्सो, वी विल होम इंस्पेक्ट योर कार एंड आपकी गाड़ी हम एक सर्टन प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी है। बट अदरवाइज ऑल्सो मार्केट में गाड़ी लाने के लिए, हमारे बिजनेस में गाड़ी लाने के लिए
बहुत अलग तरीके भी रहते हैं. वी कैन टाई अप विद द न्यू कार शोरूम ऑल्सो. तो न्यू कार शोरूम टाई अप्स में क्या फायदा मिलता है, कोई भी जब अपनी कोई नई गाड़ी लेने जाता है तो ऑलमोस्ट 70% चांस रहता है उसमें कि वो एक यूज्ड कार को ट्रेड इन करना चाहता है. सो ऑल द यूज्ड कार शोरूम्स यू नो हैव टाई अप्स विद अदर बिजनेसेस लाइक अर्स, जिनको वो गाड़ियां दे देते हैं. तो अगर वो गाड़ी हमारा क्वालिटी पैरामीटर मैच करती है, सो वी आर वन ऑफ द बायर्स फॉर दोस कार्स. अदरवाइज देर आर अदर एंगल्स ऑल्सो इन दिस बिजनेस जहां से गाड़ियां आती हैं. ब्रोकर नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर पर्सनल पी आर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बिकॉज वी बोथ ऑफ अस कम फ्रॉम यू नो नेटवर्क ऑफ पीपल जहाँ पे पीपल रियली ओन दोस कार्स. हमारा ऑलमोस्ट 10-15 साल पुराना वो नेटवर्क है. एक सर्टन पीआर है जो कि हमारा जहाँ से हमें कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ कार्स एंड रिकमेंडेशन एंड रेफरेंसेस आता रहता है. तो हमारी जो सप्लाई है वो इन चीजों से बनके पड़ती है. तो मतलब इसका कोई एक आंसर नहीं रहता कि ये एक तरीका ही लाने का. देर आर मल्टीपल वेज टू ब्रिंग इन अ कार इन आवर बिजनेस एंड वी आर ओपन फॉर ऑल न्यू मेजर्स दैट आर हैपनिंग. एंड नंबर्स पे अनिल जी एक मैं इनवाइट करना चाहूंगा इस. So, Avinashji, in the last 2 years, we have sold somewhere close to 70 luxury cars of an average ticket size of 25 to 30 lakh rupees. Anish ji, एक सवाल जो है, basically अभी हमने 1.5-2 साल में जो काम किया है, मेरे को पूछना है कि हम हमारा कस्टमर का डेटाबेस कैसे बिल्ड करते हैं और अभी करंटली हमारा कस्टमर बेस कितना बड़ा होगा. क्योंकि देखिए, जैसे अर्जुन जी ने बोला कि बहुत अच्छा और बड़ा एपिटाइट है, कोई भी मिडिल क्लास एस्पिरेशनल कस्टमर आता है उसको लग्जरी कार खरीदने का यू नो एक चाहत होती है. तो हमारा डेटाबेस हम लोग खुद अपने सोर्सेज से मेंटेन करते हैं और उसको फाइनली किस प्रकार से सोशल मीडिया या मार्केटिंग कैंपेन इस प्रकार से आप उसको कैनवस करते हो कि वो आपके शोरूम पे आए, इंक्वायरी करे, आइदर मोबाइल से करे या आपकी कोई वेबसाइट है, इसके बारे में कुछ बताइए. श्योर, तो मैं को आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा है इन टर्म्स ऑफ, जैसे अर्जुन ने बोला कि हमारा जो शोरूम है वो फ्लैगशिप शोरूम हमारा एम्बियंस मॉल वसंत कुंज में है. यहाँ पे वीकडेज में 19,000 to 20,000 लोगों की फुटफॉल होती है एंड वीकेंड्स पे करीब 40,000 to 50,000 लोगों की फुटफॉल होती है. एंड उससे एक ब्रांड प्रेजेंस हो जाता है, एक ब्रांड रिकॉल हो जाता है. इमीडिएट वॉक इन बायर नहीं होगा मॉल में ऐसे आके, बट एक जो बार बार ब्रांड दिखता है उससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है. प्लस हमारे इंस्टाग्राम पे जैसे अर्जुन ने बोला सोशल मीडिया से हमने शुरुआत करी थी. वी स्टार्टेड विद जस्ट वन सिंगल इंस्टाग्राम पेज, एक इंस्टाग्राम पेज से शुरुआत करी थी आज से 7-8 साल पहले. तो उसमें हमारे 25,000 to 26,000 फॉलोअर्स हैं जो कि सारे ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं. वहाँ पे हमारा ऑल ओवर इंडिया से लीड्स आती हैं एंड वहाँ से हमें रेफरेंसेज मिलते हैं. तो पॉइंट बी कि हमारा वो एक डेटाबेस है. फिर जो हमारी इनबाउंड कॉल्स आती हैं डेली ऑन आर इन्वेंट्री, जैसे हमारी कोई 20 गाड़ियों की 15 गाड़ियों की इन्वेंट्री है तो उन पे जो लीड्स आती हैं हम उसका डेटाबेस मेंटेन करते हैं. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज रीच्ड 5,000 to 7,000 कस्टमर बेस एंड एक्चुअल HNI जिनकी स्पेंडिंग पावर एवरेजली 25-30 लाख से करोड़ 1.5 करोड़ रुपए है. नहीं, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया अनिश जी. अर्जुन जी, आपको एक सवाल है कि जब हम कोई कस्टमर से गाड़ी खरीदते हैं उसका जो क्वालिटी नॉर्म हम खरीदते हैं, उसके बाद जब हम कस्टमर को थोड़ा सा गाड़ी को रिफर्बिश करके उसको अप टू डेट बना के जब हम बेचते हैं, तो प्राइसिंग कैसे करते हैं? क्योंकि ये तो नो, ये तो आपका फॉर्मूला होगा, ये आप यू नो गाड़ी का ब्रांड, गाड़ी का यू नो स्टेट ऑफ द कंडीशन, कितना माइलेज है. फाइनली हाउ डू यू डिसाइड द टिकट प्राइस व्हेन यू नो टॉक टू द कस्टमर? तो प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है? सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम कोई गाड़ी इंस्पेक्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का क्लियर क्राइटेरिया है कि इन आवर माइंड और इन द विजुअल्स ऑफ द कार इट शुड एटलीस्ट बी ऑफ 8/10 क्वालिटी. कोई अगर एक्सीडेंटल गाड़ी है वो हमारा पैरामीटर में नहीं आएगी, कोई डैमेज गाड़ी है वो हमारे पैरामीटर में नहीं आएगी, कोई गाड़ी जिसका मीटर की जो रीडिंग है वो कंपनी के रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रही है वो हमारे पैरामीटर में नहीं आएगी. तो फर्स्टली वी इंस्पेक्ट ओनली दोस कार्स जो हमारे पैरामीटर में मैच हुई है. वेरी स्ट्रिक्ट यू नो पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ क्या गाड़ी हमारे लिए क्वालिफाई होती है, राइट? उसके बाद जब हम गाड़ी इंस्पेक्ट करते हैं हमारा एक 30 मिनट का बहुत ही क्विक बट बहुत ही थरो इंस्पेक्शन रहता है गाड़ी का, जिसमें हम गाड़ी को मैकेनिकली, फिजिकली एंड उसके जो वाइटल्स होते हैं ढंग से चेक करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी क्रिएट अ वेरी गुड रिपोर्ट एंड वो हम कस्टमर के साथ शेयर करते हैं, बताते हैं कि सर इसमें ये रिफर्ब आएगा, विदाउट दिस रिफर्ब द कार कैनॉट सेल,
बिकॉज एक बात हमें जाननी चाहिए कि वो उस कस्टमर की यूज गाड़ी होगी बट वो किसी के घर की नई गाड़ी बनेगी, राइट? एंड जब किसी के घर की नई गाड़ी बनेगी तो वो उससे एक नई गाड़ी वाला ही रिलायबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं, राइट? तो हमें एक सर्टेन शेप एंड फॉर्म में गाड़ी को लेके आना पड़ेगा. कुछ स्क्रैचेस अगर हैं तो वो रिमूव करने पड़ेंगे, कुछ लेदर फटा हुआ है तो हमें रिपेयर करना पड़ेगा. मैकेनिकली द कार हैज टू बी वेरी साउंड, राइट? तो हम ये सारी चीजें जब गाड़ी को इंस्पेक्ट करते हैं तो कस्टमर से हम डिस्कस करते हैं, उनसे एक नेगोशिएशन में डालते हैं, उनको समझाते हैं. प्लस कोई भी गाड़ी को जब हम बेचते हैं तो गाड़ी इज लिटरली लाइक अ मूविंग लीगल यू नो एसेट. यू नो उस पर आपकी आरसी का नाम होता है, वो आप किसी भी गलत इंसान के हाथ में दे नहीं सकते. सो द कस्टमर हैज टू ट्रस्ट अस इन दैट एस्पेक्ट कि मैं एक सही एंटिटी को गाड़ी दे रहा हूँ. उस हिसाब से हम उसको नेगोशिएशन में डालते हैं एंड वहां से पूरा प्राइसिंग हम कस्टमर के साथ करते हैं इस गाड़ी को. नहीं, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से समझा अर्जुन जी. अर्जुन जी मेरे को बताइए, अभी ओवरऑल मार्केट में जो कार यू नो रीयूज्ड कार व्हीकल वाला मार्केट है, इसमें कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी क्या है? लाइक यू नो काफी लोग बाजार में है, आप भी हो, तो इज इट वेरी कॉम्पिटिटिव? आपके पास अपने लॉयल कस्टमर्स है जो यू नो आपका ब्रांड और आपका पोजिशनिंग देख के यू नो आपकी सर्विस देख के आते हैं, और दूसरी बात हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है? देखिए कोई भी बिजनेस में हम दूसरों से थोड़ा अलग और अच्छा काम करेंगे तो ही कस्टमर्स हमारे पास जुड़ेंगे. तो एनीथिंग यू कैन शेयर यू नो फॉर आवर व्यूअर्स दैट हाउ डू यू एक्चुअली एंश्योर दैट सर्विस इज आल्सो गिवन एट द सेम टाइम कस्टमर्स गेट वेरी गुड रिलायबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर कंपनी? सर देखिए, डेफिनेटली जो कहते हैं ना मार्केट में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है. बिकॉज वी आर नॉट द ओनली वंस हु आर ट्राइंग टू गॉज एंड यू नो कैपिटलाइज ऑन द ग्रोइंग मार्केट करंटली. सो देयर इज ग्रेट हेल्दी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इन द मार्केट. बट द थिंग इज द मार्केट इज सो लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड कि इसमें अगर हम इसमें एक सर्टन चंक उसको ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं तो वी आर ऑलरेडी क्रिएटिंग अ सर्टन पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन इन द मार्केट, राइट? इसमें फॉर एग्जाम्पल इट इज डेफिनेटली कंपेरेटिवली लुक्स फ्रॉम आउटसाइड की इट्स अ इजी बिजनेस टू स्टार्ट, बट ऐसा नहीं है. विद द फास्ट ग्रोइंग मार्केट देर इज स्टिल अ ह्यूज परसेंटेज विच इज वेरी अनऑर्गेनाइज्ड. इसीलिए कॉम्पिटिशन इज वेलकम बट स्लोली. इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट बिजनेस टू क्रैक. बाहर से देखने में ये बिजनेस लगता है कि सडन पैसा लगाया, गाड़ी ले ली, प्रॉफिट में बेच दी, लेकिन ओनली वेन वंस यू गेट इन टू द निटी ग्रिटीज ऑफ इट आपको समझ में आता है कि यहाँ पे आप 1 करोड़ रुपए की गाड़ी लेके भी उस पर लॉस खा सकते हो. थैंकफुली वी हैव बीन इन अ सिचुएशन जब हमने ऑलमोस्ट किसी गाड़ी पे आज तक लॉस नहीं खाया. बिकॉज वी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी कि हम कोई भी गाड़ी को गलत प्राइस में नहीं लेना चाहते. पोस्ट कोविड क्या हुआ है, लॉट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड डीलर्स हैव स्टेप्ड इन विद अ लॉट ऑफ मनी इन दिस बिजनेस, लेकिन उन्होंने इतनी गलत इन्वेंट्रियां खरीद ली है कि उनसे जेन्युइनली वो बिक नहीं रही है एंड नाउ देर इन वेरी डायर कंडीशन. सो आई वुड से दैट येस देर इज डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी. But there is also a great percentage of the market that is unorganized. So the intensity is welcome, it is healthy, and it is good for the overall market that is there. नहीं, I think बहुत अच्छी तरह से समझा अर्जुन जी. सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आ गई है कि देखिए जब आप कस्टमर B2C वाला बिजनेस करते हो तभी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन भी फुलफिल हो और उसमें दोनों साइड आर यू नो बेसिकली विनिंग, क्योंकि इट इज नॉट अ इजी बिजनेस. B2C बिजनेस तो बहुत ही यू नो कॉम्पिटिटिव होता है. तो डेफिनेटली व्हाट यू एब्सोल्युटली ट्रू, राइट? अनिल जी, अभी अगला सवाल फाइनेंशियल्स को लेके है. हमने आपके सेगमेंटल यू नो रेवेन्यू देखे, आपने IT बिजनेस और यू नो आपका ये कार रेंटल बिजनेस के बारे में शुरुआत में बताई थी. हमको बताइए सर, FY23 में हमारा जो यूज्ड कार रेंटल वाला बिजनेस है उसमें हमको करीबन 7.69 करोड़ का रेवेन्यू था, तो पिछले साल करीबन 6.9 करोड़ था. तो सर FY23 में मुश्किल से 11-12% का ग्रोथ है अगर हम YOY ग्रोथ की बात करें. तो सर डिमांड इतनी अच्छी है, हमारी सर्विस अपनी अच्छी है, हमारी यू नो जो शोरूम भी है वो भी प्रोमिनेंट जगह पे है, तो सर इतना करने के बाद भी 11-12% का ग्रोथ ही क्यों हो गया? हमको तो ज्यादा ग्रोथ करना चाहिए था. नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो ना मैं थोड़ा सा आपको एक वैसे भी बिजनेस मॉडल इसका समझाता हूं कि हाउ आर फाइनेंशियल मॉडल इज, ठीक है? तो क्या है कि लेट्स से अविनाश जी मेरे पास अगर आज इन्वेंट्री खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए होगा, ठीक है? तो अगर 1 करोड़ रुपए से मैं अपने शोरूम के लिए गाड़ियां खरीदता हूँ, मेरा एवरेजली 45 दिन का साइकिल है किसी गाड़ी को बेचने का, ठीक है? साल में 9 की साइकिल हो गई, ठीक है? तो मेरा अगर 1 करोड़ रुपए है तो आई विल चर्न इट 9 times विच विल गिव मी अ 9 CR ऑफ रेवेन्यू टॉप लाइन, करेक्ट? ठीक है, मतलब आप
सात से नौ की साइकिल पकड़ लो, तो बेसिकली सात से नौ करोड़ के बीच का कोई रेवेन्यू होगा, ठीक है, विद अ 15% ग्रॉस मार्जिन एंड अ 10% पैट, ठीक है, तो ये रहता है। तो अब हुआ होता क्या है कि लेट्स से कि अगर मैंने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मेरे पास एक सर्टेन फंड था जिससे मैं चर्न कर रहा था, 23-24 में कुछ उसमें प्रॉफिट ऐड हुए, बट मोर ऑर लेस जैसे आपने अभी अर्जुन के क्वेश्चन पे बोला ना बी टू सी इज वेरी डिफिकल्ट, तो होता क्या है कि बी टू सी में कोई मेरी बी टू बी में तो जैसे है कि मैंने आपसे एनुअली बिजनेस तय कर लिया तो मेरे को मंथली रिकरिंग बिजनेस आता रहेगा, पर बी टू सी में क्या है कि किसी महीने ज्यादा गाड़ी बिकेगी किसी महीने कम बिकेगी, तो इट्स अ रिटेल बिजनेस, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, बट उसके आसपास की फिगर्स या 11% ग्रोथ भी आई बिलीव विद अ सिमिलर फंड, मतलब अगर क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है आईपीओ में भी कि जब हम यू नो व्हेन वी रेज फंड तो वो वर्किंग कैपिटल हमें इन्वेंटरी में इन्फ्यूज करनी है, ठीक है, तो अभी क्या है एक सर्टेन फंड के साथ हमने 11% ग्रोथ करी, पर अब मतलब दैट इज ऑल्सो गुड, बट हाँ वो ज्यादा होनी चाहिए, बट अगर वर्किंग कैपिटल हाथ में होगी तो लेट्स से कि हमारे हाथ में अगर टोटल 10 करोड़ रुपए होंगे और मैं उसको 9 की साइकिल ना मानते हुए भी आप मान के चलिए 6 या 7 की साइकिल मानना, तो यू आर अ बेटर पर्सन टू कैलकुलेट इट कि व्हाट रेवेन्यूज विल बी हिटिंग एट, व्हाट विल बी द पैट, व्हाट विल बी द पीबीटी। नहीं बिल्कुल अभी मैं समझ गया, आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, मेरे को बताइए अनिल जी अभी ये जो दूसरा बिजनेस है आईटी बिजनेस, ये थोड़ा सा हमको क्लियर करके बताइए, ये एक्चुअली हम कंपनी करते क्या, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 करोड़ का रेवेन्यू आपने FY23 के लिए रिकॉर्ड किया था, 6.19 करोड़, तो ये कितना सस्टेनेबल है, इसमें कुछ फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट है या ये कोई फिक्स्ड कस्टमर्स है जो हमको रेवेन्यू देते हैं जहां पे हम उनका उनके लिए कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज करते हैं, इसके बारे में बताइए। करेक्ट सो कमिंग फ्रॉम अ पेटीएम बैकग्राउंड एंड अ टाइम्स इंटरनेट बैकग्राउंड, तो मेरा एक सर्टेन आई एम एन इंजीनियर बाय एजुकेशन, तो मेरा एक सर्टेन वो रहा है एक्सपोजर टू ऑल दीस you know web development companies, all these colleagues who you know further freelance, तो मेरे पास एक certain network था जो हमने अब पिछले 2 साल से vertical हमने create किया है, उसमें we have certain clients जो हमें annually AMC देते हैं या annually हमें software testing के लिए approach करते हैं, जैसे for example अविनाश जी आपने एक software बनाया, ठीक है, आपने software बनाया किसी A company से, but हमेशा जब उसकी testing होती है वो B company के साथ होती है जिससे कि एक bias ना रहे, ठीक है, तो हमारी वो कंपनी है जो हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आगे फर्दर एग्रीगेशन में काम देते हैं, ठीक है, सो विद माय नॉलेज, सो जैसे क्या हुआ कि हमने अपनी कंपनी के लिए भी ऐप टेस्टिंग फेज में ऐप बन रही है, दैट्स अ नेटिव ऐप, तो क्या होता है हाइब्रिड ऐप होती है और नेटिव ऐप होती है, तो हम नेटिव ऐप बीटा टेस्टिंग चल रही है बोथ एप्पल पे iOS पे और एंड्रॉइड पे, तो वो भी पूरी अंडर माई सुपरविजन बनी है, पूरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पूरी उसकी UI UX एवरीथिंग, ठीक है, तो वहां से वी गॉट एन आइडिया कि हम सेम काम औरों के लिए क्यों नहीं कर सकते, एंड क्योंकि हमारा HNI नेटवर्क है हमसे जो आके गाड़ियां ले जा रहे हैं कॉर्पोरेट्स या फिर यू नो इंडिविजुअल्स, तो उसी नेटवर्क के थ्रू हमें बिजनेस आया, एंड बिकॉज ऑफ माय प्रायर एक्सपीरियंस एंड प्रायर नेटवर्किंग हमने उसको एग्रीगेशन पे आगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का या IT स्टाफिंग का आगे काम दिया, सो दैट इज वेयर वी थॉट कि भाई हमें वी आर गेटिंग मार्जिन्स, तो वो एक पैरेलल एक्टिविटी थी of you know creating another vertical in our company जो कि आगे जाके it will merge to our core business, आगे जाके हम auto based products बनाएंगे जिसमें हमारे existing business को भी help होगी scale करने के लिए across the country। नहीं समझ गया अनिल जी, लेकिन मेरे को बताइए मोटा मोटी हमारे कितने लोग हैं इस division में, और margins अगर मैं मान के चलूँ तो ये business में तो margins भी काफी अच्छे होंगे क्योंकि already आपका product you know बन गया है, testing आप करते हो तो आपका इनिशियल जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो आपने कर दिया है, अभी अगर आप कॉर्पोरेट के लिए या कोई दूसरे कस्टमर के लिए टेस्टिंग करते हो तो वो तो रेवेन्यू फ्लो तो विल बी मोर थिकर ना, मैंने वहां पे तो प्रॉफिटेबिलिटी मेरे ख्याल यू आर एब्सोल्युटली राइट, तो मैं जैसे इफ यू वांट टू नो द कंपैरिजन बिटवीन द टू वर्टिकल्स तो मैं आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे क्या है सर देखिए कि अभी आईटी बिजनेस हमारा अभी आईटी एंड कार बिजनेस इज 50-50%, ठीक है, 60% कार हो गया 40% ऐसे इस रेशो में है, बट मूविंग फॉरवर्ड जैसे मैंने आपको एक साइकिल का एग्जांपल दिया कि हमारी अगर 45 दिन की गाड़ियों की साइकिल है और मेरे पास 10 करोड़ रुपए है तो साल के एंड में जो हम टॉप लाइन रेवेन्यू करेंगे फ्रॉम द कार बिजनेस बिकॉज कार इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एक्सटेंसिवली, तो व्हाट वी आर बेटिंग इज कि आईटी बिजनेस कैन बी द बैकबोन ऑफ आवर कंपनी डूइंग एक सर्टेन ईयर ऑन ईयर 4-5% का ग्रोथ दिखता है मुझे उसमें,
बट कार बिजनेस इस क्वांटम में स्केल करेगा कि आईटी बिजनेस विल बिकम प्रोबेबली 7% ऑफ द कार बिजनेस 7-8% इफ यू डू द मैथ इवेंचुअली इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इट विल बी 7-8% ऑफ द टोटल कार बिजनेस बेसिकली मेन जो रेवेन्यू ड्राइवर रहेगा वो हमारा कार रीसेल कार वाला बिजनेस रहेगा consultancy will only be a support business for our company, right? Correct. That's what our अच्छा अनिल जी दूसरा सवाल जो इम्पोर्टेंट है कि मार्जिन पिक्चर को लेके अभी अगर अपने को वर्किंग कैपिटल मिलता है आई मीन मैं बाद में आपको सवाल करूंगा यू नो आईपीओ फंड्स के लिए बट अगर वर्किंग कैपिटल अपने को मिलता है अपने को यू नो वी कैन टर्न दैट इन्वेंट्री यू नो 6-7 times ऑन एन एवरेज इन अ सिंगल ईयर तो इसका असर हमारे मार्जिन पे भी आना चाहिए विदाउट पुटिंग अ नंबर अगर आप बता दें कि मार्जिन विल बी सी अ इंप्रूवमेंट इन द ओवरऑल ग्रॉस एंड द ईबिटडा मार्जिन ऑफ आवर कंपनी अगर वॉल्यूम बढ़ता है Absolutely. तो क्या होता है ना when you are looking at certain volumes, एक market में एक trust build होता है. तो क्या होता है कि आपके घर की अगर पहली गाड़ी है 25-30 lakh की जो is your aspirational purchase, तो आप कहोगे कि यार मैं थोड़ा सा extra premium दे दूंगा but मुझे इसी brand से गाड़ी लेनी है. मुझे road side से कहीं से you know कई जगह है वेस्ट दिल्ली में दिल्ली का एक area hub है जो road side में unorganized players हैं तो वो कहते हैं कि भाई मेरे को 3-4% का प्रीमियम चलता है बट मुझे गाड़ी शोरूम से एमबीएस से ट्रस्टेड कंपनी से लेनी है दैट्स वेयर तो वो मार्जिन्स डेफिनेटली बढ़ेंगे एंड मार्जिन्स बढ़ेंगे तो एबिटा बढ़ेगा यू आर एब्सोल्युटली राइट अच्छा एक बात बताइए अनिल जी हमारे धंधे में वर्किंग कैपिटल आप आईटी बिजनेस को छोड़ दीजिए बट नॉर्मली जो हमारा ये जो यू नो यूज्ड कार रेंटल वाला बिजनेस है वहां पे आपने बोला आपका साइकिल करीबन 45 डेज है तो मैं आपका ओवरऑल वर्किंग कैपिटल देख रहा था इन्वेंट्री और डेटर्स तो ज्यादातर आपको आपके ये बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होंगे क्योंकि आईटी बिजनेस में तो इन्वेंट्री नहीं और मेरे ख्याल से डेटर्स भी होंगे तो काफी कम होंगे तो इज दिस अंडरस्टैंडिंग राइट क्योंकि हमको ना पता करना है कि कितना वर्किंग कैपिटल एक्चुअली इज एलोकेटेड फॉर योर बिजनेस एंड हाउ मच वर्किंग कैपिटल इज एक्चुअली एलोकेटेड फॉर योर आईटी बिजनेस सो आंसरिंग टू योर क्वेश्चन अविनाश जी इसमें ना बेसिकली क्या है कि हमारे जो आप डेटर्स की बात कर रहे हो ठीक है वो यूजुअली आईटी बिजनेस में होते हैं होता क्या है कि लेट्स से कि हाँ जी तो होता क्या है कि अगर आपने मेरे से कार खरीदी तो आप मुझे अपफ्रंट पैसे दोगे मैं तभी अपनी शोरूम से आपको डिलीवरी दूंगा करेक्ट उसके पहले नहीं दे सकता ठीक है तो मेरे रिसीवेबल्स हमेशा जीरो रहेंगे मैं तो तभी करूंगा जब पूरी पेमेंट आ जाएगी ठीक है आप न्यू कार भी खरीदते हो तो आप पूरी पेमेंट दे देते हो तब वो डिलीवरी देता है ना तो सेम चीज अब हो सकता है कि उस ईयर में जब ईयर एंड हुआ अगले फाइनेंशियल ईयर गए तो कुछ मेरी इन्वेंट्री नहीं बिकी तो जैसे आप अब देखोगे 22-23 से जब हमने 24 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आए अप्रैल 23 में आए तो 1 crore की मेरी इन्वेंट्री 1.5 crore की इन्वेंट्री अनफोल्ड थी विच इज फाइन वो कैरी फॉरवर्ड हो गया ठीक है वो तो बिजनेस का साइकिल है अब उस मोमेंट पे हमारा आईटी बिजनेस में जैसे 90 डेज का ओवरऑल क्रेडिट रहता है ठीक है 60-90 days तो जैसे मेरे को बुकिंग आई ठीक है मेरे को बिजनेस आया मैंने आगे काम देना शुरू कर दिया एग्रीगेशन पे तो अगर मैं वहां दे देता हूँ तो मेरे डेटर्स खड़े हो जाते हैं फिर जब मुझे पेमेंट आएगी तभी फुलफिल कर पाऊंगा मैं तो उसके बीच में वो डेटर्स मेरे खड़े हो गए दैट्स व्हाट इज द So basically what I understand very clearly Anish ji ये जो debtors है ये ज्यादातर IT business से ही related है जी. जो हमारा प्रीमियम कार सेलिंग का बिजनेस है उसमें हमको प्योरली हम कैश पे ही काम करते हैं भाई पेमेंट करने के बाद भाई गाड़ी लेके जाओ तो वहां पे ऐसी कोई फुल आरटीजीएस करो आप हां फुल आरटीजीएस करो आप टीसीएस दो एंड 10 लाख के ऊपर 1% टीसीएस होता है फुल आरटीजीएस एंड टीसीएस के बाद हम डिलीवरी देते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं है जो अगले फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड होता है बस वो आपकी अनसोल्ड इन्वेंट्री होती है और कुछ नहीं आपको पिछले 2 साल में एक नंबर दिख रहा होगा वो होता है डेटर्स बेसिकली तो आप देखो 2 साल में 80 lakh और 1 crore from 22-23 to 23-24 वो हमारी unsold inventory है that's it नहीं समझ अभी अनिल जी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमको हमारे अभी कंपनी पब्लिक इशू कर रही है वी आर गोइंग पब्लिक सो सर इसके बारे में कुछ बताइए कितना पैसा हम प्लान कर रहे हैं रेस करने के लिए और जैसे आपने बोला ज्यादातर पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए बट इसके बारे में इफ यू कैन गिव अस सम इन्फॉर्मेशन दैट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल आवर व्यूअर्स सो बेसिकली अभी हमारा जो DRHP है वो अप्रूव हो गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ठीक है एंड हमने UDRHP अभी उनको सबमिट किया हुआ है
फॉर देयर फाइनल गो अहेड, क्योंकि जो भी उन्होंने चेंजेस बोले थे, जो भी उनकी क्वेरीज थी वो एड्रेस करके UDRHP वो हमें इन द नेक्स्ट 2-4 डेज वी शुड गेट एन अप्रूवल ऑन दैट गो अहेड, और उसके बाद हम ROC में फाइलिंग करके हम अपना इशू ओपन की डेट बताएंगे. अभी वो डेट डिस्क्लोज नहीं हुई है, ठीक है, शुड हैपन विद इन दिस मंथ बट लेट्स होप. एंड मोटा मोटी अमाउंट कितना रेस करेंगे, हमारा प्लान एटलीस्ट अमाउंट रेस करने का कितना है? It should be somewhere close to 13.5 crore, 13.5 crore के बीच में होगा. And जिसमें से we are looking at, you know, हमें कुछ टेक्नोलॉजी में भी पैसा लगाना है. जैसे मैंने आपको बोला कि हमारी IT जो वर्टिकल है वो हमारा इन हाउस सॉफ्टवेयर बनाएगा, ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसमें हम आगे जाके इसी इको सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर बेचेंगे एंड वील हेल्प अदर प्लेयर्स ऑल्सो स्मॉलर प्लेयर्स. बट अभी और 50% हमारा 50-60% हमारा वर्किंग कैपिटल में जाएगा. अनिल जी, अभी यू नो ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द मार्केट, अभी कोविड तो खत्म हो चुका है, आई मीन कोविड के बाद अभी नॉर्मल सी आ चुकी है, तो ओवरऑल कार मार्केट में कैन वी एक्सपेक्ट, यू नो, विदाउट अगेन गिविंग सम प्रोजेक्टेड नंबर, कि कम से कम 18-20-25% की टॉप लाइन ग्रोथ हमारी कंपनी, एक बार वर्किंग कैपिटल आता है तो 20-25% का टॉप लाइन ग्रोथ करना हमारे लिए पॉसिबल रहेगा? आई मीन यू नो इन्वेस्टर्स ऑलवेज ये बात देखना चाहते हैं कि ग्रोथ कितना होगा. देखो आप, यू आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि देखिए जो वर्किंग कैपिटल है, ठीक है, तो हमारे मतलब हम वी आर अ प्रॉफिटेबल कंपनी एंड एक हमारे एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स है, प्लस जो हम वर्किंग कैपिटल अपने ऑब्जेक्ट कॉस्ट में हमारा वर्किंग कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो आप मान के जो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ऑफ 10-11 CR का रोटेशन ऑन अ एनुअली बेसिस, जो हम एक साल में 45 दिन की साइकिल पे, मैं कहता हूँ कि 45 दिन की साइकिल 9 होती है साल में, आप अमाउंट बढ़ गया तो साइकिल आप रियलिस्टिक मानो कि कम हो जाएगी, सेम रेट पे नहीं चलती रहेगी. तो आप मान के चलो कि 5-6 भी मान लो, 6 की साइकिल भी मान लो आप, तो आप कैलकुलेशन कर लो सर कि कितनी परसेंटेज ग्रोथ हुई इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन रेवेन्यू सिर्फ एक साल. आई थिंक दैट इज वेरी क्लियर. ऑब्वियसली टॉप लाइन ग्रोथ विल बी एक्सपोनेंशियल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल से आप रोटेट ज्यादा कर पाओ. Absolutely, and market is filled with opportunity. इतनी opportunity है market में, कोई organized player होगा तो उसको customer गाड़ी भी बेचने में comfortable रहता है, कि जैसे अर्जुन ने बोला कि भाई RC transfer हुई नहीं हुई, पेपर वर्क सही से हुआ नहीं हुआ, उसके नाम पे गाड़ी तो नहीं चल रही, तो ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए एक trusted company अगर होगी तो both parties will be very happy and it will be a win-win, जैसे आपने बोला. अच्छा अनिल जी, आपके लिए एक सवाल है. देखिए आपने बोला इन्वेंट्री थोड़ी सी अनसोल्ड रहती है, वो तो नॉर्मल होता है धंधे में, यू नो कभी कभी अच्छे महीनों में अच्छी बिक्री होती है, कोई महीनों में नहीं होती है. तो हमारा धंधा थोड़ा सा सीजनल है क्या, यू नो दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, इस टाइम पे ज्यादा गाड़ियां लोग खरीदते हैं, या ओवर द यू नो ओवर द 12 मंथ्स थोड़ा यूनिफॉर्म है, तो इज इट सीजनल? सेकंड हाफ इज बेटर देन द फर्स्ट हाफ नॉर्मली? You are absolutely right. क्या होता है जब financial year शुरू होता है April, May, June, थोड़ा सा एक linear रहता है, ठीक है, फिर क्या होता है ना August, September onwards, फिर नवरात्रे आते हैं, फिर you know दिवाली आता है, दशहरा, दिवाली, है ना, ऐसे करके फिर तो एक तो वो बहुत hot season रहता है वो quarter, फिर December end में ना गाड़ियों पे deal मिलती है, जैसे new cars पे भी deal मिलती है क्योंकि year end के offers आ रहे होते हैं, and उसी वक्त क्योंकि न्यू कार्स का हमेशा शॉर्ट वो रहा है कि भाई वेटिंग है, आज आप इनोवा ब्रांड न्यू बुक कराने जाओ तो 18 महीने की वेटिंग है, ठीक है, और वो गाड़ी भी 36 लाख रुपए की है, तो उस पैसे में मैं आपको 3-4 साल पुरानी एक BMW दे सकता हूँ विद आर कंपनी वारंटी ऑन इंजन, गेयर बॉक्स, एंड आप पीस ऑफ माइंड से गाड़ी चलाओ, ठीक है. तो पॉइंट इज की आप ये मान के चलो कि दिसंबर में भी पिक होता है, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च इज द बेस्ट क्वार्टर. उससे होता क्या है कि यूजुअली आपकी अपनी कंपनी है, अब आपने सारी फाइनेंशियल ईयर की वर्किंग कर ली, अब आपको डेप्रिसिएशन लेना है, तो यूजुअली पीपल बाय यूज कार्स फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस आल्सो, कंपनी में दिखानी है, कुछ ना कुछ वो करना है, तो वो लेते हैं. तो वो क्वार्टर हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च इज अमेजिंग अक्रॉस ऑल ईयर्स. आप देखोगे तो हमेशा सबसे ज्यादा नंबर्स स्पाइक आखिरी 6 महीने में होते हैं, 5 महीने. बिल्कुल, अभी मैं समझ गया. अनिल जी एक बात बताइए, जब हम नॉर्मली अनसोल्ड इन्वेंटरी की बात करते हैं तो अभी तक हमारा एक्सपीरियंस क्या है कि जो भी गाड़ी हमने यू नो खरीद के अपने हमारे पास रखी, उसमें ऐसा कभी हो गया है कि वो गाड़ी यू नो आउट ऑफ फ्लेवर हो गई या कस्टमर को पसंद नहीं आया, वो यू नो ज्यादा रोटेटिंग वाली गाड़ी नहीं है, तो ऐसा कुछ हुआ है, या हमारी सारी गाड़ियां जो हमने अभी तक सोर्स की है वो पूरी तरह से बिक गई है? आई मीन सर, देखिए मैं इसके दो, हां तो इसके द फर्स्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि
वी लिव इन अ रियल वर्ल्ड सर. देखो क्या है कि हम भी ट्राई एंड टेस्ट करते हैं, हम भी विद एवरी ईयर हम भी ग्रो कर रहे हैं बिजनेस में, लर्न करते हैं कि भाई इस बंदे ने ये डिमांड करी, इस गाड़ी की ज्यादा डिमांड आई. ठीक है, BMW, ऑडी, मर्सिडीज के जैसे अर्जुन ने शुरुआत में बोला कि ये तीन ब्रांड सबसे हॉट सेलिंग है. आज मैं वॉल्वो खरीद के बैठ जाऊं तो शायद उतना रोटेशन ना हो, जबकि वॉल्वो बहुत रिलायबल गाड़ी है ना. एक मार्केट में एक्सेप्टेंस क्या है, ये हमारी पिछले 6 साल में लर्निंग हुई है. पर फॉर्चुनेटली हमने आज तक कोई भी गाड़ी लॉस में नहीं बेची, एंड सारी गाड़ियां जो भी आती हैं वो एवरेजली 40 से 45 दिन में बिक जाती है. कोई भी गाड़ी हमारी ऐसी नहीं रहती. आई थिंक अच्छी बात है, इसका मतलब आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है. इनफैक्ट यू नो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू नो कि ये धंधे में सर इन्वेंट्री को रोटेट करना एक इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन अनसोल्ड इन्वेंट्री जितनी कम हो उतनी अच्छी है, क्योंकि उसी से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा. अर्जुन जी, लास्ट सवाल जो आपके लिए है वो बेसिकली सर दोनों आपने कंपनी शुरू कर दी है, आपने कोविड भी देखा था, तो मेरे ख्याल से एक बात बताइए, कोविड को छोड़ने के अलावा इस धंधे में सबसे बड़ा क्या है, लाइक यू नो व्हाट इज द मेन रिस्क एंड हाउ डू यू मैनेज टू स्टे प्रॉफिटेबल. अगर कोई वेरिएबल्स आप बता दो कि अगर ये चीजें ठीक ठाक है तो धंधा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, डिमांड तो अपने लेवल पे तो बढ़िया है, लेकिन यू नो इन टर्म्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ऐसे क्या चीजें आपको करनी पड़ती है कि जिससे यू नो बिजनेस भी बढ़े, प्लस एट द एंड ऑफ द डे यू नो यू मेक योर मनी, प्लस कस्टमर इज ऑल्सो हैप्पी. सर देखिए, आपने ऑलरेडी कोविड का नाम ले लिया, तो दैट इज यस डेफिनेटली वन ऑफ द फैक्टर्स जो नहीं होना चाहिए फॉर मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस टू यू नो एक्सेप्ट से द मेडिकल इंडस्ट्री और द फार्मास्यूटिकल कंपनीज. तो हाँ, डेफिनेटली कोविड नहीं होना चाहिए. द कंट्री शुड बी डूइंग गुड. आई एम नॉट सेइंग इट शुड बी डूइंग एक्सपोनेंशियली गुड, बट इट शुड बी अ फ्लैट और अ राइजिंग कर्व. ये होना बहुत जरूरी है. पर कैपिटा इनकम का बढ़ना बहुत जरूरी है, कि जैसे ही लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ती रहेगी वैसे ही उनकी एस्पिरेशन भी बढ़ती रहेगी. ये सारी चीजें ऑलरेडी इंडिया में हो रही हैं. यू नो इनफैक्ट लोगों का एक्सपोजर होना ऑफ थिंग्स एंड यू नो एक्सपीरियंस ऑफ थिंग्स बढ़ना बहुत जरूरी है. लॉट ऑफ पीपल आर नाउ जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट्स का सस्ता होने से भी बहुत फर्क पड़ा है. पीपल नाउ ट्रैवल हियर एंड देयर यू नो टू सी प्लेसेस टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स. तो एंड सोशल मीडिया के आने से लोगों का यू नो कंजम्पशन ऑफ थिंग्स एंड कॉन्टेंट बहुत बढ़ गया है. सो आपने अगर देखा होगा, जैसे आप सोशल मीडिया खोलते होंगे तो गाड़ियां एक बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक रहता है उसमें, जो हम स्वाइप करते रहते हैं पूरे टाइम, राइट. सो जैसे कि आपने बोला, कोविड ना हो, कंट्री की ग्रोथ अच्छी बनी रहे, कैपिटल लोगों का GDP अच्छा जाता रहे, पर कैपिटल इनकम बढ़ती रहे, लार्जली इन सब चीजों का अगर हम ख्याल रख लें तो मार्केट इज शोइंग अ वेरी पॉजिटिव साइन. तो मेरे ख्याल से एज लॉन्ग एज इंडियन इकोनॉमी डज वेल, कंजम्पशन यू नो अगर मेरे ख्याल से स्पेंडिंग जो कस्टमर का है वो बढ़ता रहे, तो मोटा मोटी फिर आपके लिए ग्रोथ मोमेंटम डेफिनेटली अच्छा रहेगा. इनफैक्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैं यहाँ पे बस एक और चीज बोल देता हूँ कि इन चीजों को, इस आंसर को बैक क्या करता है, अगर आप देखें कि आज के टाइम पे जैसे अनीश ने भी बोला था कि इनोवा का टॉप मॉडल पे बुकिंग बंद है, राइट. एक टाइम पे इनोवा आती थी 8 से 10-12 लाख रुपए की, आज ही वो गाड़ी 36 लाख रुपए की हो गई है, राइट. आप आज महिंद्रा शोरूम में घुस जाओ, आपको ऑफ द काउंटर ऑलमोस्ट कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, राइट. आप हुंडई के शोरूम में घुस जाओ, क्रेटा आपको ऑफ द काउंटर नहीं मिलेगी, राइट. दिस शोज दैट द इंडियन मिडिल क्लास हैज टोटली यू नो कहते हैं ना फाइनेंशियली वो इतना बूम हो चुका है कि आज के टाइम पे 10 लाख से 50 लाख तक की गाड़ी, जो भी अच्छी गाड़ी है, आप मान के चलिए उस पे कम से कम 4 से 6 महीने की वेटिंग है, राइट. सो दीज आर रियली ग्रेट साइंस फॉर अ कंट्री एंड फाइनेंशियली. कोई भी अच्छी गाड़ी आपको बिना वेटिंग के नहीं मिल रही है, राइट. कोई भी गाड़ी का प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, सारी गाड़ियों का प्राइस ऊपर ही जा रहा है, सारी गाड़ियों पर फिर भी वेटिंग बढ़ती जा रही है, राइट. एंड अब यहाँ पे नो डाउट पॉलिटिकली भी हम देखें तो कंट्री लुक्स इन रियली सेफ हैंड्स. कि वी आज से 10-15 साल पहले वी यूज टू बी इन लाइक एन अपवर्ड लुकिंग पोजिशन, राइट. नाउ वी आर द पीपल ऑफ कंट्रोल. सो दीज आर ग्रेट साइंस फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड आई थिंक दैट्स वाई वी आर ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट कि आगे चलते चलते यू नो ऑल द फैक्टर्स जो मैंने मैंशन किए हैं, दीज आर नॉट अज्यूमिंग पॉसिबिलिटीज बट रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज. And therefore the business will be really good. बशर्ते no doubt, like every company, हमें हमारा hard work consistently करते रहना पड़ेगा और हमारा how we approach the businesses for us
every new inventory is an opportunity and we need to deliver 110% with every car. हमको इस चीज पे फोकस रखना है, बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज डूइंग ग्रेट. आई थिंक बढ़िया अविनाश जी. वन थिंग, नाउ वी वुड लाइक टू इनवाइट यू वन डे टू आवर शोरूम आल्सो. यू शुड बी आवर कस्टमर वंस. आइए हमारे शोरूम आइए एंड प्लीज आएंगे, जरूर आएंगे सर. बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करने के. मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, आपके पूरे मैनेजमेंट को भी बेस्ट विशेस और फोर्थकमिंग आईपीओ के लिए भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस. धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू. धन्यवाद. थैंक यू.